सब टुडे से आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सोर हेलमेट इन हंटर सीरीज। सो उसमें क्या क्या फीचर्स है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये एक्सोर हेलमेट है हंटर सीरीज में। सो अभी ये हम आपको खोल के पूरा अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। चलो, दिस इज अ हेलमेट फॉर एक्सोर इन हंटर सीरीज। लुक एट दिस। इसकी डिज़ाइन देखो, पीछे से भी देखो कितना बढ़िया है और लाइट वेट है। तो ये हेलमेट कैसा है, ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट हेलमेट है और अंडर 5000 में आता है। 4500 में मेरे को ये पड़ा है। और इसमें फीचर्स क्या है एक्स्ट्रा दिया है कि ये एयर वेंटिलेशन के लिए, दोनों साइड में दिया है एयर वेंटिलेशन के लिए। इधर देखो, ये भी इधर भी दिया है, देख सकते हो आप। एक्सोर सीरीज का हंटर में आया है ये। सामने आप देख सकते हो, ये आप मोटो ब्लॉगिंग करते हो तो उसके लिए उसने अलग से दिया है। यहाँ से भी एयर वेंटिलेशन का यहाँ पे पोर्शन दिया है। और दूसरा आपको बताऊँ, ये साइड से ओपन होता है। इसका हेलमेट है और जो बड़े बड़े राइडर होते ये हेलमेट यूज़ करते हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए। यहाँ से आप गोप्रो माउंट कर सकते हो और मोबाइल भी माउंट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और इसका भी पैडिंग देखते, ये पैडिंग देखो कितना बढ़िया पैडिंग है, बढ़िया क्वालिटी है। ये पैडिंग का क्वालिटी देखो कितना बढ़िया है, आप कितना सेफ रखते हो इस हेलमेट में। ये देखो कितना बढ़िया पैडिंग क्वालिटी है। और ये वाइज़र ओपन होता है यहाँ से, अभी वाइज़र ओपन होगा। अभी इधर इसके अंदर और एक वाइज़र दिया है उसका, उस ये यहाँ से ऑपरेट होता है। ये बाजू में बटन दिया है, यहाँ से ऑपरेट होता है सनब्लॉक वाइज़र। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करके दिया है ये वाइज़र का और काफ़ी बढ़िया है हेलमेट अंडर 5K। सो अच्छा दिया है, डिज़ाइन भी देखो कितना बढ़िया है इस हेलमेट का। और पीछे से भी आप देख सकते हो, ये एकदम मस्त डिज़ाइन करके दिया है एयर वाइज़र। ये ऊपर दो वाइज़र है, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, दो वाइज़र दिया है ऊपर। और मस्त ग्लॉसी फिनिशिंग है इस हेलमेट का। एक्सोर ने ये हेलमेट काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है, देख सकते हो कितना बढ़िया डिज़ाइन है इस हेलमेट का। और इसकी पैडिंग भी काफ़ी बढ़िया है। सो अंडर 5K में ये बेस्ट हेलमेट है फॉर मोटो ब्लॉगिंग, मोटो राइडिंग के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।